कि रूस पाकिस्तान को इंतहाई सस्ता तेल देने पर तैयार। रूस पाकिस्तान को भारत और चीन जैसे रेट पर सस्ता तेल देगा। रूस ब्रेंट ऑयल मार्केट के मुकाबले में 20 से 30 डॉलर फी बैरल सस्ता तेल देगा। रूस से पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी पर जनवरी में पेशरफ्त मुतवक्के है, जबकि रूस के साथ इंश्योरेंस, शिपिंग और दीगर चार्जेस पर बात होना बाकी है। जराए की जानिब से ये कहना है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच। अदील, एक तो रूस ने सस्ता तेल देने की बात की है और दूसरा ये कि कल मुसद्दिक मलिक ने भी कहा था कि वफ जो है वो पाकिस्तान आएगा। मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, मजीद तफसीलात ये हैं कि जराए ने हमें ये बताया है कि ये जो दौरा था पाकिस्तानी वफ का, ये इंतहाई कामयाब रहा है और रूस ने हामी भर ली है कि रूस भारत और चीन जैसी रियायत पाकिस्तान को देगा। भारत और चीन को मार्च 2022 से ऑनवर्ड जो है ये बड़े इंपोर्टर हैं रूस से, जो तवानाई की मसनूआत खरीदने के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत खरीदने के हवाले से, और एक स्टेज ऐसी आई थी कि इनको 30 डॉलर फी बैरल तक जो ब्रेंट ऑयल मार्केट के मुकाबले में रिलीफ मिल रहा था। फिर सितंबर अक्टूबर तक अगर हम देखें तो ये रिलीफ जो है 20 डॉलर फी बैरल तक था। तो रूस ने कहा है कि जिस तरह से वो भारत और चीन को रियायत दे रहा है, उन्हीं निर्फों पर वो पाकिस्तान को रियायत देने के लिए तैयार है और इस हवाले से कुछ चीजें तय होना बाकी हैं, जिसमें जो शिपिंग है, इंश्योरेंस है और इसके अलावा रिफाइनरी चार्जेस में कुछ दीगर चार्जेस हैं। जब रूस का वफ्द जो है जनवरी के वक्त में पाकिस्तान आएगा तो इन अमूर पर उसमें बात होगी। इस वक्त रूस जो है वो डिस्काउंटेड रेट पर जो तेल फरोख्त कर रहा है उसमें सबसे बड़े इसके इंपोर्टर भारत और चीन है और उसके बाद पाकिस्तान भी इस फहरिस्त में शामिल होने जा रहा है। अलबत्ता पाकिस्तान ने ये साथ ही साथ वाजे जरूर किया है कि ऐसी कोई सेंक्शन खुदा न खास्ता ऐसी ना लगे तो ऐसी सूरत में। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदील बड़ाइच, हमें अपडेट कर रहे थे।